अगर आप न होते, हमारे देश की युवा पीढ़ी न होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने जो कमाल करके दिखाई है, वो न होता तो आज भी दुनिया शायद हमें साफ सपेरों वालों का ही देश मानती। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है, देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव चाहता है, विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़कर के देखने की आवश्यकता नहीं। निराशा का कोई कारण नहीं है साथियों, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, यह देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है, इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है। भारत की सरकारें विकास नहीं कर पाती है, सरकार ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कीम लागू कर सकती है, रोड बना लेगी, अस्पताल बना लेगी, स्कूल बना लेगी, उसकी बजट की सीमाएं होती है। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। दुर्भाग्य से अब तक हमारे देश में सरकारों ने डेवलपमेंट का ठेका लिया था, हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को लगना चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देता हूं, मैं भले शिक्षक हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री से भी अच्छा काम कर रहा हूं। एक सफाई करने वाला कर्मचारी होगा, वो अच्छी सफाई करता है, क्यों? क्योंकि मेरे देश की शान बान के लिए मैं काम कर रहा हूं, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो देश सेवा होती है। एक डॉक्टर भी गरीब परिवार के मरीज की सेवा करेगा,
और सेवा भाव से करेगा, गरीब की जिंदगी भी मूल्यवान होती है, तो वो डॉक्टर भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने, 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने, और हर कोई जो भी करता है, मैं देश के लिए करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना। जिस देश के पास एक टैलेंट हो, जिस देश के पास एक सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है, और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं, हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। विश्व की स्किल यूनिवर्सिटी है, वो आए हमारे साथ जुड़े, हम उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमारे दो इरादे, एक वो स्किल डेवलपमेंट जो लोग तैयार होकर के जॉब क्रिएटर बने, दूसरा वो जिनकी जॉब क्रिएटर बनने की संभावना नहीं है लेकिन जो जॉब पाने के लिए पहली पसंद में पसंद हो जाए, उस प्रकार का वो नौजवान तैयार। हमारे यहां कुछ वर्षों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुई थी बैंकें, इस इरादे से हुई थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भारत की जो मुख्य धारा है आर्थिक, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंशियल क्षेत्र, उसका उन्हें सद्भाग्य मिले, और बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया था। जो लोग 70s के कालखंड के इतिहास को जानते होंगे उनका मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी बैंकिंग होने के बाद भी भारत में 50% से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बेचारों का बैंक में खाता ही नहीं है।